Hello guys, welcome to Temp Academy. So in this video, we are going to cover a new chapter which is called Polynomials. So let's start the video. But उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे. तो आज अपन देखेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं पहले. सपोज दैट 2x प्लस 2. ठीक है, तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. ठीक है, इसको पढ़ने से पहले अपन क्या करते हैं, पढ़ते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. ठीक है, तो जैसे देखते हैं, पहले ये देखते हैं ये वेरिएबल एक मतलब ये पूरा टर्म है 2x प्लस 2. ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखें अपन, मतलब अपन लोग पहले समझते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोम होता क्या है. ठीक है, तो इसमें होता क्या है, मतलब ऐसी वैल्यू. ठीक है, ऐसी वैल्यू किसकी, x की, जिस पे एट विच वैल्यू ऑफ x. ठीक है, ऐसी वैल्यू x की जिस पे जो पी एक्स है, मतलब ये वाला जो टर्म है, ठीक है, वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए. ठीक है, ये क्या होता है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. समझाऊंगा आपको, परेशान मत होइए. तो इसमें क्या होगा, जैसे पी एक्स है, ये अपन टर्म लिख लेते हैं पहले. ठीक है, ये अपन लिख लिए, पॉलिनोमियल बना लिए. अब इसमें आप लोग वैल्यू रख के देखते हैं. ठीक है, कुछ तो पहले रखते हैं एक्स इज इक्वल टू कितना, 1. एक रखते हैं माइनस 1, एक रखते हैं 0. ठीक है, 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा x की जगह. यहाँ पास कितना हो गया पूरा मिला के, 4. ठीक है, और यहाँ पे माइनस 1 रखेंगे कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0. ठीक है, और अपन रखेंगे 0 तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा देख लेते हैं. 0 रखेंगे, यहाँ पे आएगा 2. ठीक है, तो अपन देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी वैल्यू रखें किसकी, x की. मतलब तीन वैल्यू रखें ना x की, एक 1 रखें, एक माइनस 1 रखें, एक 0 रखें. किस पे, पॉलिनोमियल पे रखें. तो ऐसी कौन सी वैल्यू रखें x की जिस पे पी एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया. ठीक है, तो देख सकते हैं अपन लोग पी एक्स किस में 0 हो रहा है, इस वाले में 0 हो रहा है. ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं अपन लोग कि माइनस 1, मतलब ये क्या कर दिया, माइनस 1 रखने से ये जो पॉलिनोमियल था पूरा 0 हो गया. क्या बना दिया, 0 बना दिया. ठीक है, पॉलिनोमियल को 0 बना दिया. तो ये बोल सकते हैं अपन लोग कि माइनस 1, मतलब x इज इक्वल्स टू माइनस 1, क्योंकि x इज इक्वल्स टू माइनस 1 रखने पे 0 हो गया था. तो बोल सकते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस 1 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा किसका है, पी एक्स का. जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसका, पी एक्स का. तो अब देखते हैं अपन कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ठीक है, तो इसमें देखते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो एक लेते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक ले लेते हैं 5. ठीक है, मान लीजिए तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, इसको बनाना है पॉलिनोमियल. तो लिखेंगे आप लोग पी एक्स इज इक्वल्स टू 5x की पावर कितनी, 0. ठीक है, तो ये लिखें चाहे ये लिखें, बात एक ही है. ठीक है, बट इसको हम ऐसे लिख सकते नहीं है क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल की एक पॉलिनोमियल बनाना है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसको पॉलिनोमियल बनाएंगे. ठीक है, x की पावर 0 करके इसको पॉलिनोमियल अपन बनाएंगे, तो ये तरीका गलत है. ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें ऐसी कोई वैल्यू होगी ही नहीं, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल में ऐसी कोई वैल्यू होगी ही नहीं जिस पे, जैसे इसमें क्या होता था कि वैल्यू ऑफ x. ठीक है, इसमें अपनों को वैल्यू x की मिल जाती थी जिसमें पी एक्स पूरा 0 हो जाता था, बट इसमें अपनों को ऐसी कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं जिसमें पी एक्स पूरा 0 हो जाए. बस एक ही चांस है पी एक्स 0 होने का, कि हम यहाँ पास क्या कर दें, इंटू करवा दें 5 को 0 से. बट ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर हम लेंगे x को 0 ले लेंगे, मान लीजिए x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो x की पावर 0. ठीक है, x की पावर 0 है, तो 0 इंटू 0 मतलब 0 की पावर 0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड. ठीक है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. तो
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसमें ऐसी कोई वैल्यू होगी नहीं कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल में, ठीक है, कि जिसमें पी एक्स पूरा जीरो हो जाए। ठीक है, अब अपन देखते हैं जीरो पॉलीनोमियल। जीरो पॉलीनोमियल में क्या होगा, एक लेते हैं पहले जीरो, ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं किसके फॉर्म में, पॉलीनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे जीरो इंटू एक्स की पावर कुछ भी हो सकती है इसमें, ठीक है, तो दे देते हैं सपोज दैट टू ले लेते हैं कुछ भी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी मतलब इसमें जो होगा इसमें सभी जीरो जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल है, क्योंकि आप देख सकते हैं इंटू करवाएंगे जीरो को, किसी से भी इंटू करवाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो ही आना है, तो पी एक्स जीरो यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ अपन को एक्स मिल गई जिस पे पी एक्स पूरा जीरो बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पास देखा जाए तो कांस्टेंट में ही जीरो है, जीरो पॉलीनोमियल पढ़ रहे हैं, जब कांस्टेंट में ही जीरो है तो वो ऑब्वियस है कि चलते हैं वहाँ पे जीरो कर ही देगा, ठीक है, सबको इंटू करवाएगा तो इसके लिए एक और कंडीशन भी रहती है लेकिन, कि यहाँ पास जीरो नहीं होना चाहिए। इसे आप लिखोगे कि हम लेते हैं जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो ले लिए, ठीक है, हम सोचें कि अगर हम एक्स को जीरो रख दें तो तब ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जीरो इंटू जीरो की पावर जीरो क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो ये चीज़ कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं होती। तो लिख सकते हैं आप लोग कि एवरी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर सिर्फ एक्सेप्ट जीरो, मतलब जीरो को छोड़ के, यहाँ पे एक्स की जगह हम जीरो को छोड़ के कुछ भी रखेंगे हमको जीरो ही मिलेगा, ठीक है, एक्सेप्ट जीरो इज जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल, जीरो ऑफ जीरो पॉलीनोमियल, ठीक है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, जीरो पॉलीनोमियल पढ़ रहे हैं, किसका, जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल का, जीरो ऑफ अ जीरो पॉलीनोमियल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।